में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व किया था और अब इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी. ओके, तो हमें वेरीफाई करना है कि जो डी है वो जी का मिड पॉइंट है. तो जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन दी हुई है जहाँ पे 0 से लेके 7 तक हमें नंबर्स दिए हैं और 1 से लेके 7 तक इन्होंने नंबर्स की प्लेसेस दी हैं कि 1 को ए से डिनोट किया है, 2 पे कौन सा पॉइंट है, बी, 3 पे सी. इस तरीके से इन्होंने हमें 7 तक कुछ पॉइंट्स दिए हैं. अब बात करेंगे हम मिड पॉइंट की कि मिड पॉइंट क्या होता है. सपोज हमारे पास कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है कुछ इस तरीके से, राइट, और ये इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स हैं पी क्यू. ओके जी, अब अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो मिड पॉइंट क्या होता है, जो इसके बीचों बीच का पॉइंट होता है, बिल्कुल बीच वाला. सपोज यहाँ पे कहीं हम कह सकते हैं और इसको अगर नाम दे दे आर, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इसी को हम मिड पॉइंट कह रहे हैं. और इसकी क्या खास बात है कि ये जो है पूरी पी क्यू को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ये जो पी आर है ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, राइट, और आर क्यू भी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर. तो मिड पॉइंट किसी भी लेंथ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. और पी क्यू क्या थी हमारी, 10 सेंटीमीटर थी, जिसको आर ने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो हम क्या लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू, और एक और चीज हम लिख सकते हैं दैट इज पी क्यू डिवाइडेड बाय 2, यानी पी आर 5 आर क्यू 5. ओके, इसको ऐसे बॉक्स बना लें, इसका मतलब है इनकी वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं. और ये क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है, राइट, पी क्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी कि मिड पॉइंट ने किसी भी लेंथ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. और यहाँ हमने किसको देखा, पी क्यू लेंथ को. तो इसी तरीके से मिड पॉइंट हमें जहां भी मिलता है वो क्या करेगा, वो हमेशा इक्वल पार्ट्स में किसी भी लेंथ को बांट देगा. अब अगर हम अपनी प्रॉब्लम को देखें तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि हमें बताना है क्या डी ए जी का मिड पॉइंट है. ए जी ए तो ये रहा, जी ये रहा, और ए जी कैसे निकलेगा, ए जी बेसिकली क्या होगा कि जी की जो वैल्यू है ये जो 7 है, राइट, और ए की जो वैल्यू है 1. तो ए जी की लेंथ कैसे निकलेगी, ए जी इज इक्वल टू 7 - 1, दैट इज 6, राइट. इस तरीके से हम ए जी की लेंथ निकालेंगे. अब हमें डी की बात करनी है. अगर डी मिड पॉइंट होगा, अगर डी मिड पॉइंट होगा तो हमें क्या कंडीशन दिखानी पड़ेगी, ए डी इज इक्वल टू डी जी, राइट. अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी डी जी के इक्वल होगा, ये हमें शो करना है. अगर ये हम शो कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि डी इसका मिड पॉइंट है. तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या करना है. हम लिख देंगे लेंथ ऑफ ए डी, ए डी कितनी हो गई, कैसे निकालेंगे, 4 - 1 = 3 यूनिट्स. अब मैं इसे यूनिट्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमें कोई स्केल तो दिया नहीं है कि इसको सेंटीमीटर में डिवाइड किया गया है या इंचीज में डिवाइड किया गया है, तो इसलिए मैंने इसको यूनिट्स कह दिया. ओके, अब बात करेंगे लेंथ ऑफ डी जी. डी जी, डी जी हो जाएगा जी की क्या वैल्यू है, जी किस पॉइंट पे है, 7 पे, और डी कौन से पॉइंट पे है, डी है 4 पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 units, राइट. इसी तरीके से अगर हम ए जी की लेंथ निकाल लेंगे तो वो कितनी हो गई, वो हो गई जी है 7 पे और ए है 1 पे, तो 7 - 1 = 6 units, राइट. तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, हम देख पा रहे हैं देयरफोर ए डी इज इक्वल्स टू डी जी, राइट, यानी कि ये दोनों लेंथ इक्वल हो गई.
और एक और चीज हम दिखा सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए जी डिवाइडेड बाय टू, एंड हैंस डी इज दी मिड पॉइंट ऑफ ए जी, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन से बाय ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ओके, सो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि भाई ए बी सी डी जो चार पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, राइट। स्ट्रेट लाइन हो गई। अब क्या कहा जा रहा है कि जो बी है वो किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। सपोज यहाँ पे हमने कह दिया ए और यहाँ पे कह दिया सी, राइट, और इस तरीके से इनको मिला दिया। तो ये लाइन सेगमेंट हो गई ए सी। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जो बी है वो क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, राइट। बी है ए सी का मिड पॉइंट। अब दूसरी बात हमसे क्या कही जा रही है कि जो सी है वो किसका मिड पॉइंट है, वो बी डी का मिड पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा, सी बी डी का मिड पॉइंट है, यानी कि इस लेंथ को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और डी पॉइंट कहीं यहाँ पे है और सारे पॉइंट्स एक लाइन पे हैं ये भी हमें पता है, तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड अगर हमने कर दिया तो इसको डी से मिला दिया गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब जो ये सी है ये बी डी का मिड पॉइंट है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सिंस बी इज दी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट हो गया बी, तो क्या कंडीशन हमें मिल गई, हमें मिल गया देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, राइट। ये वाली कंडीशन मिल गई। अब दूसरी चीज की दूसरी जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, राइट। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, देयरफॉर बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। भाई यही तो हमने किया, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, वो किसी भी लेंथ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको जरा यहां से हटा के यहाँ नीचे लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, ये पॉइंट है ए, राइट। अब अगर इनको नाम दे दें हम इन इक्वेशंस को, इसको कह दिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको कह दिया सेकंड इक्वेशन, ओके जी। जो ये रिलेशन आ रहा है दोनों लेंथ में ए बी और बी सी में, उसको कह दिया फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड, बी सी और सी डी के रिलेशन को हमने कह दिया सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि ये ए बी और सी डी सेम लेंथ के इक्वल है, बी सी के और बी सी के। भाई अगर आप तीन फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड की हाइट किसी दूसरे की हाइट से मैच करती है और दूसरे की तीसरे से मैच करती है, यानी कि इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पहले फ्रेंड की हाइट थर्ड फ्रेंड के इक्वल होगी, यानी कि जो ए बी है अगर बी सी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है, सो हम क्या लिख सकते हैं, बाय वन एंड टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, और ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। यही हमें प्रूव करना था, राइट, यही हमें शो करना था कि क्यों है वो, इसलिए है क्योंकि ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर है और ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ओके,
सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइव ट्राइंगल्स को ड्रॉ करना है. तो हम ड्रॉ कर लेते हैं फाइव ट्राइंगल्स आर. तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे यहां से देख लेते हैं. सपोज मैंने कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल बना दिया, राइट, और दूसरा ट्राइंगल बनाया मैंने कुछ इस तरीके से, ओके जी, और तीसरा ट्राइंगल मैंने बना दिया कुछ इस तरीके से. एक और ट्राइंगल बनाना है, उसके बाद एक और हमें बनाना है. मान लीजिए ये कुछ ऐसा ट्राइंगल हो गया, राइट, और बना लेते हैं एक और ट्राइंगल. सपोज हमने बना लिया कुछ ये वाला. तो इस तरीके से ये पांच ट्राइंगल्स हमने ड्रॉ कर लिए और इनको कुछ नाम दे देते हैं. सपोज इनको नाम हमने दे दिया 1, 2, 3, 4 and 5. ओके जी, अब सेकेंड बात हमसे क्या पूछी जा रही है कि हमें हर केस में चेक करना है क्या दो लेंथ का सम, ओके, दो साइड्स की लेंथ का सम क्या तीसरी लेंथ से छोटा होगा, जरा देख लेंगे. तो हम क्या करेंगे, सपोज अगर इसको मैं कह दूं, पहले वाले पे हम देखें, अगर इसके वर्टिसेस को नाम दे दिया जाए ए बी सी, राइट, इस तरीके से कुछ नाम दे दिया और फिर हमने क्या किया कि इसकी लेंथ को मेजर किया. कैसे मेजर करेंगे, हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, राइट. तो ए सी पे स्केल को रख के उसको हमने मेजर किया. सपोज ये आ रहा है कुछ 3 सेंटीमीटर, राइट. ए बी को जब मेजर किया तो ये आया 4 सेंटीमीटर, ओके, और सी बी को जब मेजर किया तो ये आया 5 सेंटीमीटर. कोई कुछ भी लेंथ आ सकती है. तो आपको चेक क्या करना है, आपको चेक ये करना है कि जब आप देखोगे कि ए बी प्लस बी सी, ओके, दो साइड्स की लेंथ ली और कितनी आ रही है 4 + 5, दैट इज 9 सेंटीमीटर, और वो क्या है, ये थर्ड साइड से बड़ी है, ये थर्ड साइड से बड़ी है, राइट. मेरी बात समझ में आ रही है कि जब हमने इस केस में दो साइड्स की लेंथ को ऐड किया, वो क्या हो रहा है, वो तीसरी साइड से बड़ी है, छोटी नहीं है. हमसे पूछा था कि वो छोटी है क्या, राइट, तो लेकिन छोटी नहीं है, ये तो बड़ी आ रही है. इसी तरीके से दूसरी लेंथ देख सकते हैं. अगर अब मैं क्या ले लूं, BC प्लस CA, इनको ऐड किया जाए तो BC की वैल्यू कितनी है, 4, राइट. BC की वैल्यू है, सॉरी, BC की वैल्यू हो जाएगी 5 और CA की वैल्यू है यहाँ पे 3, तो कितनी सम आ गया इनका, 8 सेंटीमीटर, राइट. और क्या ये AB से छोटी है या बड़ी है, भाई ये तो बड़ा हो गया सम, किससे, AB से, यानी कि इस केस में भी क्या हो रहा है, दो साइड्स की लेंथ का सम तीसरी साइड से बड़ा है, छोटा नहीं है. इसी तरीके से हम क्या देख सकते हैं, हम CA प्लस AB कर सकते हैं. CA कितना है, CA है 3 सेंटीमीटर और ए बी है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर. अगेन ये बड़ा है तीसरी साइड से, तीसरी साइड कौन सी है, दैट इज बी सी. यानी कि हर बार हमने क्या देखा कि जो दो साइड्स की लेंथ का सम है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा है, छोटा नहीं है. तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, हम आंसर लिख सकते हैं the sum of the lengths of any two sides can never be less than the third साइड. यही देखा ना हमने, कभी भी छोटा नहीं होगा वो सम, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, राइट. अब यही चीज आप सारे ट्राइंगल्स में चेक कर सकते हैं. अगर आप चेक करेंगे इसको
तो आप हमेशा यही पाएंगे कि दो साइड्स की लेंथ अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा थर्ड साइड की लेंथ से बड़ा होगा, राइट। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 7। और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंगल्स की, एंगल्स, राइट एंगल्स, कंप्लीट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स के बारे में।